अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ मेरे लाडे सा, देख मैंने तेरी पसंद के गुलगुले बनाए हैं। आ जाओ। हे वीजुई। पता है, मैंने आप दोनों के लिए भी गुलगुले बनाए हैं, एकदम मीठे मीठे, यम्मी यम्मी। खाओगे ना? यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा आपसे। रूही, बेटा आप ठीक हो ना? उठो। पिंकू, ये क्या तरीका है? रूही को अब चोट लग जाती तो? हाँ पिंकू, ऐसा कौन करता है? एक साथ अच्छे से नहीं रह सकते तुम? दादी, अब आप भी इनको प्यार करने लग गई? क्योंकि बेटा ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। रूही जूही भी मेरी इनकी बच्चियां जैसी हैं। रूही जूही भी पिंकू, आप बड़े हो ना और ये छोटी हैं, इसलिए दादी इनसे भी प्यार करती है। मैं जा रहा हूँ, मैं कार्टून देखते हुए खाना खाऊंगा। रूही जी जाओ, तुम भी जाकर पिंकू के साथ कार्टून देख लो। नहीं, मम्मी कहती है खाते वक्त ठीक देखना, गंदी बात होती है। लेकिन कभी कभार देखने से कुछ भी नहीं बिगड़ता बेटा, है ना रुचिता? हाँ हाँ बेटा, जाओ आप आज कार्टून देख करके खा लो। जाओ। एक मिनट बेटा, गुलगुले लेते जाओ। मैंने इतने प्यार से बनाया है तुम लोगों के लिए, लो और वो अपने। क्या है रुचिता, कब बताओगी तुम इन बच्चियों को कि मैं उनकी दादी हूँ? प्रतीक के पापा उनके दादाजी हैं, निहार उनके पिता हैं। कब तक हमें अपने बच्चों से ऐसे छुप छुप के प्यार करना पड़ेगा? माँ, मेरा बस चले तो मैं अभी बता दूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने दादा दादी, अपने परदादी सबका प्यार मिले। लेकिन उनको बताने के बाद उनके उनके सवालों का क्या क्या जवाब दूंगी मैं कि उनके पिता निहार जी तो हैं लेकिन उनके पिता की पत्नी मैं नहीं हूँ। हाँ, रिश्ते इस कदर उलझे हैं कि उनको सुलझाने का एक भी सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम सब मिलकर रूही जूही पिंकू तीनों को प्यार से समझाएंगे तो वो समझेंगे। अगर गलत तरीके से बात सामने आए तो किसी ना किसी का दिल जरूर टूट जाएगा। वहाँ रुचिता सही कह रही है, अब जो करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों का अंजाम हम सब देख चुके हैं। हम दोनों आज फिर से एक थे रुचिता। इतने दिनों बाद मेरा परिवार पूरा लग रहा था मुझे। परसों बात पीते पल ताजा हो गए थे। अब तो बस उन दिनों का इंतजार है जब रूही चूही मुझे पापा कहकर बुलाएंगे। मैं पिता की तरह उन्हें गले लगा पाऊंगा, उन्हें प्यार करूंगा। खाटू जी, कब आएगा वो दिन? कब? वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी निहार, कभी नहीं। रुचिता भी ना निहार की जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। इन दोनों को जितना दूर करने की कोशिश करो ये उतने ही करीब आते जाते। अगर निहार और रुचिता का रिश्ता तोड़ना है तो वार इन पर नहीं, इनके रिश्ते की वजह पे करना होगा, यानी इनकी बच्चियों पे। कैसे? ये लो, ये रबर बैंड ही टूट गया।
कोई बात नहीं, मैं आपको रूही का रबर बैंड लगा देती हूँ, ठीक है? और रूही आपके लिए मैं दूसरा रबर बैंड लेके आती हूँ, ठीक है? ये अभी आए। रबर बैंड तो शायद इस ड्रावर में भी था, मैं देखती हूँ। मिल गया। क्या हुआ रूही? ये रिंग मुझे क्या मिला? क्या है ये? ये तो हमारे बहन के जैसे ही है, पर इस पे कुछ लिखा है। R-U-H-A-R रोहार। ये रोहार क्या है? अरे बच्चों, ये आपको कहाँ से मिला? कब से ढूंढ रहा था मैं। अंकल, ये शायद कहीं गिर गया होगा, मम्मी ने इसे संभाल कर ड्रॉवर में रख दिया। ये लीजिए अंकल। थैंक यू। लेकिन तो अंकल, इस पर रोहार लिखा है, इसका क्या मतलब है? रोहार बेटा, आप ये सब छोड़ो ना। अच्छा बताओ, मैं अभी पिंकू को थोड़ी देर में पार्क लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी चलोगे ना? वेरी गुड। पर मेरी छुट्टी तो अभी तक बनी नहीं है। इतनी सी बात, मैं बना देता हूँ ना, चलो। छोटी तो बनी नहीं रही। मेरे पास एक बेस्ट आइडिया। बेटा अभी आप राउंड राउंड घुमा। बस देखा था ना, सिंपल। अरे वाह नियाज, क्या जीनियस आइडिया था आपका, मानना पड़ेगा। तुम हंस क्यों रही हो? इतने लंबे बाल है उसके, कब कितने लेने हैं कैसे समझ आएगा? और मम्मी अंकल ने फर्स्ट टाइम बनाया है ना, और बड़ी रानी ने भी बताया था कि आपने भी हमें फर्स्ट टाइम कार्टून बना दिया था। वाह अच्छा, खुद तो इन्हें कार्टून बना दिया और तुम मुझ पर हंस रही हो। बेटा आपकी मम्मा ना ऐसे ही है, आपके पाप मतलब तुम्हारी मम्मा तुम्हारे अंकल की ऐसे ही टांग खींचती। मैं इन्हें पार्क लेकर जा रहा हूँ, इनकी चोटी बना दे। और हाँ, वो रुहार वाला पैंट भी ले लिया मैंने। अगर इन लड़कियों को ऐसे ही प्यार मिलता रहा और हंसी ठहाके चलते रहे तो मेरा पिंकू निहार की जिंदगी से गायब हो जाएगा। अब इस प्यार को गुस्से में बदलना ही होगा। डांट पड़वाऊंगी ना इनको, कि खुद ही बोलेंगी मम्मी मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना, मम्मी मम्मी हमें यहाँ से जाना है, कहते कहते भाग जाएंगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।